हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बार मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ फिर से सिलेक्शन मेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज की ये जो क्लास है इसमें हम लोग समास पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? समास। और समास का जो ये चैप्टर है ये समास का भाग दो है। कल भाग एक पढ़ा था, आज 30 अप्रैल है और आज हम लोग समास का भाग दो पढ़ेंगे। और आई होप कि ये आज ये आखिरी पार्ट होगा, लास्ट पार्ट होगा, अंतिम होगा ये इन सब के क्रम में। कल कुछ होमवर्क दिए थे, अगर आप में से किसी को कुछ पूछने हैं तो हम लोग इसमें जब लाइव सेशन में आएंगे तब हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज का जो सेशन है ये मैं आप लोगों के कमेंट्स को नहीं ले पाऊंगा आज, बिना किसी कमेंट को लिए हुए यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को सेशन समझ में आएगा। सो समास में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि समास क्या है, समास क्या है इस पर डिस्कशन हुआ था। इसके अलावा समास के जो भेद थे उन भेद के बारे में हमने पढ़ा था और मैंने बताया था कि समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। इसके अलावा मैंने आपको दूसरा बताया था तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरा मैंने आपको बताया था कर्मधारय समास, कर्मधारय। चौथा मैंने आपको बताया था, चौथा मैंने आपको क्या बताया था? द्विगु समास, द्विगु। और उसके बाद पांचवा द्वंद्व, और छठवा मैंने आपको बताया था बहुव्रीहि समास। और इन सभी समास में अगर देखा जाए तो मैंने आप लोगों को प्रधान पद क्या थे सभी समास के वो मैंने बताए थे। सभी समासों के प्रधान पद क्या थे? प्रधान पद। सभी लोग कमेंट सेक्शन में फिलहाल आप कमेंट कर सकते हैं, तो प्रधान पद कौन कौन से थे जरूर बताइए। प्रधान पद थे इसमें, इसमें इसमें प्रथम पद था, इसको पूर्व पद कहते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान था, इसमें भी उत्तर पद प्रधान था, इसमें भी उत्तर पद प्रधान था। इसमें दोनों पद प्रधान थे द्वंद्व में, और यहाँ पर मैंने बताया था तीसरा यानी कि समस्त पद जो है वो प्रधान होता है। ये पदों की प्रधानता के ऊपर मैंने चीज़ें बताई थी। इसके अलावा कल दो समास डिस्कशन हो चुके थे जिनकी पहचान मैंने आपको बताई थी। तो पहचान में आकर के हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अव्यय भाव में मैंने बताया था कि पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है, जिसको हम लोग उपसर्ग भी बोल सकते हैं, उपसर्ग। इसके अलावा तत्पुरुष समास में मैंने बताया था दोनों पदों के मध्य में कारक चिन्ह का लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। तो कारक चिन्ह का जो लोप है उसको हम लोग यहाँ पर पहचान के रूप में पढ़े थे और इसकी परिभाषा बनाए थे। आज हम लोगों को कर्मधारय समास पढ़ना है, तो कंसेंट्रेट होकर के ध्यान से कर्मधारय समास के बारे में सुनिएगा। पहली बात तो कर्मधारय समास की जो पहचान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद रहेगी आपको तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए कर्मधारय में, कर्मधारय समास में उत्तर पद तो प्रधान होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा दोनों पदों के मध्य में संबंध होते हैं दो तरीके के। एक विशेषण विशेष, ध्यान देना, विशेषण विशेष संबंध, विशेष। और दूसरा उपमेय, उपमेय उपमान संबंध। अब ये दोनों क्या होते हैं इसके ऊपर हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं। विशेषण विशेष संबंध क्या है, विशेषण और विशेष संबंध क्या होते हैं इनको पहले समझते हैं। विशेष, देखिए जब कोई संज्ञा, जब कोई जो संज्ञा है या कोई सर्वनाम है, सर्वनाम, इनकी कोई विशेषता बताता है, इनकी कोई क्या बताता है? विशेषता बताता है, तो उस विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या है ये आपको क्लियर हो गया, लेकिन विशेष क्या है? जब ये विशेषण बता रहा है कोई शब्द तो विशेषता किसकी बता रहा है? संज्ञा या सर्वनाम की। तो यही संज्ञा या सर्वनाम जो है इसी को हम लोग विशेष्य बोलते हैं। तो अब आपको विशेष्य और विशेषण समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ लाल गेंद, क्या कहूँ? लाल गेंद। तो गेंद क्या है यहाँ पर? संज्ञा है। गेंद क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? ये लाल रंग का है। लाल क्या है? रंग है। और ये रंग क्या है? विशेषण है। तो अब आपको पता चल गया उदाहरण के तौर पर विशेषण क्या होता है, लेकिन ये लाल रंग किसका है? गेंद का है। गेंद क्या है? संज्ञा है। तो यही संज्ञा क्या है? विशेष्य है, विशेष्य। तो इसका मतलब लाल गेंद जो है ये क्या है? ये विशेषण विशेष संबंध को रिप्रेजेंट करती है। और अगर ऐसे कोई शब्द आते हैं तो ऐसे समास को हम लोग कर्मधारय समास कहेंगे। बात जिसको ना समझ में आई हो एक बार फिर से आप इस वीडियो को रिपीट करके ये पॉइंट सुनिए ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। उदाहरण के तौर पर बात कर लेते हैं यहां पे,
एक उदाहरण है चरण कमल, चरण कमल, ठीक है। अब देखिए वैसे तो अलग अलग दोनों तरफ संज्ञाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन फिर भी चरण कमल का मतलब क्या होता है, चरण जो है वो कमल के समान है, कमल के जब समान है तो यहां पर इसकी खूबसूरती बताई जा रही है, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि इतने कोमल हैं ये चरण, इतने कह सकते हैं कि कोमल हैं ये चरण कि कमल के समान है। तो आप यहां पर इनकी विशेषता कमल की तरह देख सकते हैं, कोमलता जो है इसकी वो है विशेषता है। या फिर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आप लोगों को यहां पर देना चाहता हूं, नीलकंठ, नीलकंठ बहुत ही अच्छा उदाहरण है कंठ, ठीक है। नीलकंठ में कंठ क्या है, गला है, गला क्या है, संज्ञा है, गला क्या है, संज्ञा है। और इसकी विशेषता क्या है कि इसका रंग कैसा है, नीला है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, विशेषण। तो जब ये विशेषण है तो गला क्या है, विशेष है, तो ये विशेषण विशेष से संबंध होते ही नीलकंठ कौन सा समास हो जाएगा, नीलकंठ जो है वो कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये कर्मधारय नहीं बहुव्रीहि समास है, तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि नीलकंठ जो है, नीलकंठ जो है वो कर्मधारय, कर्मधारय समास है, ठीक है, कर्मधारय समास इसमें यूज होता है, ये आप ध्यान रखना है। अब उसमें बहुव्रीहि समास यूज होता है या नहीं होता है, ये जब हम बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे तब हम समझाएंगे, फिलहाल आपको मैं ये समझा रहा हूं कि नीलकंठ में कर्मधारय समास है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि उपमेय उपमान संबंध क्या है। देखिए एक यहां पर गलती हो गई मुझसे, मैं उसको सुधारना चाहूंगा। ये जो चरण कमल है ये उपमेय उपमान का उदाहरण है, ये विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, मैं इसको यहां से काट दे रहा हूं, ये वाला उदाहरण आप लिखिए, नीलकंठ वाला उदाहरण, ठीक है। अच्छा उपमेय उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। कुछ चीजें संसार में ऐसी हैं जो कह सकते हैं, कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं या कुछ ऐसे उदाहरण हैं इस संसार में ऐसे जो पूरी तरीके से, जो पूरी तरीके से कह सकते हैं उपमा देने योग्य या उपमा देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, बहुत विशेष होते हैं, अत्यंत विशेष, अत्यंत विशेष, माफ कीजिएगा यहां लिखना चाहिए, अत्यंत विशेष होते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं चांद, तो चांद का प्रयोग जो होता है या चंद्रमा का प्रयोग जो होता है, चांद या चंद्रमा कुछ भी कह सकते हैं, इन सब का प्रयोग अक्सर किस लिए किया जाता है, सुंदरता को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं कि नहीं, सुंदरता, सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब सुंदरता चांद में है ऐसा माना जाता है, क्या वास्तविक रूप में चांद जितना चमकदार या सुंदर जैसी चीज जो है किसी के चेहरे पर आपको वास्तविक रूप में दिखाई देती है, नहीं, परंतु फिर भी उदाहरण दिया जाता है चांद सा चेहरा, कहा जाता है ना उदाहरण चांद सा मुखड़ा कहते हैं अक्सर, मुखड़ा, चांद सा मुखड़ा। अब कोई भी मुखड़ा या मुंह जो है वो चांद सा है नहीं, परंतु इतना अधिक सुंदर है कि हम उसकी क्या कर दे रहे हैं, चांद से तुलना कर दे रहे हैं। तो ये जो मान सम्मान है, मान सम्मान वास्तविक रूप में है किसके पास, चांद के पास। तो जिसके पास पहले से मान सम्मान होता है, जिसके पास पहले से मान सम्मान है वो उपमान है, लेकिन ये मान सम्मान पाने योग्य जो हो गया है, ये मान सम्मान पाने, देखिए कोई भी मुंह जो है, कोई भी मुखड़ा जो है वो चांद जैसा सम्मान पाने योग्य नहीं है, लेकिन अगर कोई हो गया है यानी उसके अंदर योग्यता आ गई है, ये या शब्द जो है योग्यता को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना, तो इसका मतलब ये उपमा पाने योग्य है, किसकी, इस उपमान की, जिसके पास मान सम्मान पहले था वही मान सम्मान अब कोई पाने योग्य हो गया है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपमेय बोलेंगे, मान पाने योग्य, मान पाने योग्य। अब अगर इसी चीज को यहां पे उदाहरण पे देखें तो यहां पर जो मुखड़ा है, जो मुखड़ा शब्द है ये उपमेय है, और चांद शब्द जो है ये क्या है, उपमान है। तो अब देखिए चांद सा मुखड़ा में संबंध कैसा हो गया, उपमेय उपमान का, इसलिए ये भी क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। अब दोनों समास के मैं उदाहरण दे देता हूं, एक आपको विशेषण विशेष से उदाहरण दे रहा हूं, विशेषण विशेष्य, और एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं उपमेय उपमेय उपमान। ध्यान से समझिएगा, दोनों ही क्या है, कर्मधारय समास है। किस प्रकार से है, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने आपको कहा किसी भी तरीके से कोई उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे वही नीलकंठ वाला उदाहरण था, नीलकंठ, तो नीलकंठ जो है ये क्या उदाहरण है, ये विशेषण है, सॉरी हाँ ये विशेषण है, ये विशेषण है, और ये क्या है, ये है विशेष्य,
ये क्या है, ये विशेष्य है, ठीक है, ये विशेषण विशेष संबंध हो गया। उपमेय उपमान संबंध दे रहा हूं, जैसे कमल नयन, कमल नयन। अब नयन क्या है, कमल के समान है, यानी कोमलता जो है वो किसकी है, कमल की है, यानी इसके पास में मान सम्मान पहले से है कोमल होने का, लेकिन नयन जो है ये भी कोई नई संज्ञा है जो इस तरीके का सम्मान पा रही है, तो ये हो गया उपमेय और ये क्या हो गया उपमान। तो उपमेय उपमान संबंध यहां पर होने के कारण कमल नयन जो है वो क्या है, ये कर्मधारय समास है, कर्मधारय है, और ये विशेषण विशेष से संबंध होने के कारण कर्मधारय है। तो मेरी ख्याल से आपको कर्मधारय का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, आप इसका विग्रह करिएगा। इसका विग्रह कैसे होगा, नीलकंठ का विग्रह कैसे होगा, नीलकंठ का विग्रह होगा नीला कंठ, ठीक है, कर्मधारय। कमल नयन का विग्रह कैसे होगा, कमल नयन का विग्रह कैसा होगा, कमल के समान नयन, ठीक है, के समान या जैसा या उस जैसा, इस तरीके की चीजें इसमें आएंगी, ये इसके विग्रह कहलाएंगे। आपको शब्द दे रहा हूं, आप विग्रह करिएगा स्वयं, ठीक है। जैसे कनक लता का विग्रह करिएगा, कनक लता का विग्रह करिए, और साथ ही साथ ये भी बताइए, ये भी बताइए कि इसमें कौन सा रिलेशन है, उपमेय उपमान या विशेषण विशेष, ठीक है। इसके अलावा प्राण प्रिय, प्राण प्रिय में कौन सा संबंध है, इसके अलावा चंद्रमुख में कौन सा संबंध है, चंद्रमुख, मृगनयन, मृगनयन, क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि ये कौन सा है, लाल मणि, लाल मणि ये कौन सा है, संबंध प्रदर्शित कर रहा है, महापुरुष, महापुरुष कौन सा संबंध प्रदर्शित कर रहा है, महादेव, महादेव, इसके अलावा अधमरा, अधमरा में बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार अधमरा, परमानंद, परमानंद, इन सब का आप लोगों को होमवर्क के रूप में सोल्यूशन देना है, ठीक है, करना है घर में, प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक। चलिए अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगला उदाहरण जो अगला समास जो हमारे पास में है कौन सा है, द्विगु समास है बेटा, कौन सा समास है, द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होते हैं जरा देखिए, द्विगु का मतलब ही होता है दो, दो क्या है, संख्या है, एक दो तीन चार, ये सब क्या है, संख्या है। तो ऐसे समास जो संख्यावाचक होते हैं, अब अगर हम यहां पर डिस्कशन कर रहे थे जब, तो द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इसकी विशेषता क्या होती है या इसकी पहचान क्या होती है, इसकी विशेष पहचान होती है कि इसमें जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण। देखिए विशेषण यहां भी प्रयोग हो रहा है यहां भी, लेकिन यहां पर विशेषण जो है वो संख्यावाचक नहीं होगा, क्योंकि अगर संख्यावाचक विशेषण होगा तो वो केवल और केवल द्विगु समास होगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पूर्व पद, अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, परिभाषा बनेगी जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो एवं पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यहां पर उदाहरण समझ लेते हैं, चलिए उदाहरण क्या है द्विगु समास का, द्विगु समास के उदाहरण मैंने कहा ना, पूर्व पद क्या होता है इसमें, पूर्व पद संख्यावाचक, संख्यावाचक होता है, पूर्व पद का संख्यावाचक होना जरूरी है। जैसे मैं कह दूं, मैं कह दूं एग्जाम्पल के तौर पे चौराहा, अब राहा शब्द जो है वो राह को रिप्रेजेंट कर रहा है, सड़क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चौ शब्द जो है ये चार को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार क्या है, संख्या है, इसीलिए क्योंकि पूर्व पद संख्या है और संख्यावाचक विशेषण है, इसी वजह से चौराहा शब्द में कौन सा समास हो गया बेटा, द्विगु समास हो गया। द्विगु समास पहचानना बहुत आसान है, पहली शब्द संख्या दिखा नहीं कि आपने समास लगाया कौन सा, द्विगु समास, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है कि संख्या की पहचान होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल है सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। आप देखो बेटा सिंधु क्या है, नदी है, सिंधु क्या है, नदी है, लेकिन सप्त क्या है, सात है, तो सप्त सिंधु का मतलब सिंधु की सात नदियां, सात नदी मतलब सात सहायक नदियां, ठीक है, तो सिंधु की सात। अब इसका विग्रह कैसे होगा, जैसे चौराहा का विग्रह क्या होगा, देखिए चौराहा का विग्रह चार, सॉरी चार राहों का, चार राहों का समाहार, समाहार, ठीक है। इसी तरीके से सप्त सिंधु क्या होगा, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु होगा चार, माफ कीजिएगा, सिंधु की
सिंधु की सात नदियों का समाहार, समाहार ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके से विग्रह करने हैं आप लोगों, कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं तिरंगा, तिरंगा का विग्रह करोगे तो क्या आएगा? तिरंगा का विग्रह करोगे तो लिखोगे आप तीन रंगों वाला, या तीन रंगों का, या तीन रंगों का समूह, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं तिरंगा, ठीक। चलिए तो इसके उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, इसके उदाहरण घर से करिएगा, कौन कौन से हैं। जैसे दोपहर, आप इसका विग्रह करिएगा। त्रिलोक, त्रिलोक इसका भी विग्रह करिएगा। नवरात्रि, नवरात्र या रात्रि। सप्तऋषि, सप्तऋषि, ठीक है। या कहीं कहीं सप्तर्षि भी आ सकता है, सप्तर्षि, सप्तर्षि ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अगला लिखेंगे आप होमवर्क में पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। सप्ताह, सप्ताह का जरूर करिएगा विग्रह, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं सप्ताह का विग्रह। त्रिकोण, त्रिकोण, ठीक है। त्रिवेणी, त्रिवेणी ऐसे, ठीक। इसका विग्रह करिएगा सभी लोग, ठीक है। तो ये हो गए आपके द्विगु समास। अब बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की। अब बात कर लेते हैं किसकी? द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास, देखिए आप लोगों ने द्वंद्व युद्ध सुना होगा। द्वंद्व का मतलब होता है वन बाय वन, एक 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 आमने सामने, मलयुद्ध जिसे कहते हैं, मलयुद्ध, द्वंद्व युद्ध, ठीक है। तो द्वंद्व का मतलब हो गया यहाँ पर भी दो दो लोगों का आपस में एक दूसरे से आमना सामना जब होता है तो उसको द्वंद्व बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, आपको मालूम है दोनों पद प्रधान होते हैं। खास बात यह है इसकी, अगर हम पहचान यहां पर लिखना चाहें, यहां पर जहां पर लिख रहे थे सारी पहचान, यहां पर भी इसकी पहचान लिखेंगे। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन दोनों पदों के बीच में और अथवा या एवं ये सब चीजें लगती हैं, ठीक है। इन सब चीजों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जब इनका प्रयोग होता है तो वो क्या हो जाते हैं? द्वंद्व समास हो जाते हैं। तो अब द्वंद्व समास में क्या है, पहचान इसकी क्या है? द्वंद्व समास में दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य क्या हो जाता है? और अथवा एवं या आदि का लोप होता है। क्या होता है? लोप होता है। और एक और पहचान है, ये तो एक पहचान हो गई, दूसरी एक पहचान है, सामान्यतः, सामान्यतः, सामान्यतः इनमें, सामान्यतः इनमें योजक, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होते हैं? ये हाइफन जिसको बोलते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। अब यहां पे सामान्यतः कहा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रयोग होगा ही होगा, लेकिन ज्यादातर प्रयोग होता है ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। द्वंद्व समास एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूं जैसे राधा कृष्ण। अब मैंने लिखा राधा कृष्ण, अब राधा कृष्ण लिख रहे हैं तो बीच में देखिए हाइफन का प्रयोग हो रहा है, विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? राधा और कृष्ण। इसका मतलब ये है कि यहां पे और शब्द का लोप था जो कि नहीं लिखा गया था। तो राधा कृष्ण में समास कौन सा हो गया? द्वंद्व समास हो गया, द्वंद्व, ठीक। अब देखिए यहां पर ध्यान रखिए, अक्सर लोग एक दूसरे का विपरीत मान लेते हैं इसे। जैसे मैं लिखूं दिन रात, तो लोगों का मानना है इसका जब हम विग्रह करेंगे तो आएगा दिन और रात। मैं आपको बता दूं कि ये दिन और रात एक दूसरे के विलोम नहीं है, एज अ अपोजिट यहां पर यूज नहीं, हालांकि दिन का विलोम रात होता है, रात का विलोम दिन होता है, लेकिन यहां पर एज अ अपोजिट यूज नहीं होते हैं ये एक दूसरे के पूरक के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे माता पिता, देखिए माता पिता, इसमें विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? माता और पिता। तो क्या माता पिता एक दूसरे के विपरीत होते हैं? क्या क्या ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं? तो अगर ये तो विपरीत हो जाएंगे फिर तो परिवार ही संपूर्ण नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक मतलब सारी काम माताएं नहीं कर सकती, घर में सारे काम पिता नहीं कर सकते हैं, परिवार बनता है इन दोनों से, इसीलिए ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कुछ काम इनका ये करते हैं,
इसी वजह से इसको दिन और रात जब मिलते हैं तभी एक तिथि का निर्धारण होता है। अकेले दिन से या अकेली रात से तिथि नहीं बनती है, ठीक है। राधा अकेली नहीं है, राधा अकेली संपूर्ण नहीं है, कृष्ण अकेले संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण होने के लिए राधा और कृष्ण को साथ रखना ही होगा, ठीक है। सीता राम, सीता और राम, ठीक है, ये सब क्या है, उदाहरण है किसके, द्वंद्व समास के। अब द्वंद्व समास के भी कुछ उदाहरण आपके होमवर्क लिए दे रहा हूं मैं, जैसे नदी नाले, पाप पुण्य, पाप पुण्य, गुण दोष, गुण दोष इनका सबका, ठंडा गरम, ठंडा गरम, ऊंच नीच, ऊंच नीच, इसका जरूर मैं देखना चाहूंगा, आप लोगों से पूछूंगा अगली बार, ठीक है। छल कपट, छल कपट, नर नारी, नर नारी, राजा प्रजा, राजा प्रजा, इन सब का विग्रह करिएगा, ठीक है। और अब अंत में, अब अंत में हम लोग यहां पर क्या देखेंगे कि बहुव्रीहि समास क्या होता है। तो अब हम लोग यहां पर बहुव्रीहि समास का उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं, तो सभी लोग बहुव्रीहि समास के लिए हो जाइए तैयार। सो बहुव्रीहि समास के बारे में जानते हैं सबसे पहले, बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास में चलते हैं, यहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ था प्रधान पद के रूप में। प्रधान पद में लिखा था इसमें समस्त पद यानी कि सामासिक पद जो है वो प्रधान होता है, सामासिक पद, सामासिक पद अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ध्यान रखना है जिसमें कोई पद प्रधान ना हो, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद में कोई पद प्रधान ना हो, इसकी विशेषता क्या है, जो सामासिक पद है, सामासिक पद, सामासिक पद, ये एक विशेष संज्ञा होती है। ये क्या होती है, एक विशेष संज्ञा, सामासिक पद इसमें जो है एक विशेष संज्ञा का काम करता है। विशेष संज्ञा का यहां पर मतलब क्या है, विशेष संज्ञा का यहां पर मतलब क्या है, विशेष संज्ञा का मतलब है, विशेष संज्ञा का मतलब यह है कि इस संज्ञा का प्रयोग कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ जो निकलता है वो केवल एक विशेष व्यक्ति से ही निकलता है। जैसे अगर मैं कह दूं कोई व्यक्ति है जिसका नाम है गणेश, कोई व्यक्ति है जिसका नाम है गणेश, तो ये तो कोई भी नाम रख सकता है, ऐसा नहीं, गणेश नाम के तो बहुत सारे व्यक्ति संसार में है। लेकिन जब हम गणेश नाम की पूजा करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमने आज गणेश की पूजा करी, तो किसी भी गणेश नाम के व्यक्ति वाले की पूजा नहीं हुई है, तब ये एक विशेष संज्ञा है जिसकी पूजा हुई है, ठीक है। वो एक ही है विश्व में जिसकी गणेश नाम से पूजा होती है। तो अब यहां पर गणेश क्या है, विशेष संज्ञा है, जैसे शिव विशेष संज्ञा है, जैसे दशानन, दशानन ये विशेष संज्ञा है, ये नाम कोई और रख भी लेगा तब भी इसे वाला दशानन की संज्ञा नहीं मिलेगी जो वास्तविक दशानन में है। अर्जुन विशेष संज्ञा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें अब देखिए होता क्या है, जैसे मैं बोलूं गज और आनन, अगर हम गज और आनन को मिलाते हैं तो इससे शब्द क्या बनता है, गजानन। तो वास्तविक रूप में आप देखोगे गजानन का अर्थ क्या है, गजानन का अर्थ है गणेश, यानी अर्थात गणेश शब्द निकल रहा है ना, तो गणेश क्या है, विशेष संज्ञा है, विशेष संज्ञा है, गजानन अर्थात गणेश ये विशेष संज्ञा है। तो यहां पर गजानन में कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, बहुव्रीहि समास, क्योंकि इससे विशेष संज्ञा निकल रही है। तो ऐसा ऐसा समास जिसमें जो समस्त पद है वो किसी विशेष संज्ञा को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समास। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, एक मिनट, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, जरा देखो बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल को जरा यहां देख लेता हूं मैं, इनके एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। जैसे मैं कह दूं लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास है, तो जब लंबोदर में समास आपसे पूछा जाएगा तो पहले तो करना पड़ेगा विग्रह, तो क्या विग्रह करोगे, लंबा है, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात, अर्थात अभी इसमें अर्थात शब्द जरूर लिखेंगे, अर्थात गणेश। तो जैसे ही आपने गणेश लिखा लंबोदर का अर्थ क्या निकल आया, गणेश। तो
अब इसमें ना तो लंबा का कोई अर्थ है ना उदर, यानी प्रथम शब्द, प्रथम पद और द्वितीय पद की कोई विशेषता नहीं रह गई, कोई पद प्रधान नहीं है, प्रधान अब तीसरा पद हो गया कौन, गणेश। इसीलिए ये कौन सा समास है, ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अब यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कि कई बार बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण है वो केवल बहुव्रीहि नहीं अन्य समास के भी उदाहरण होते हैं, और एग्जाम में अगर आएगा तो कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया था अभी मैंने नीलकंठ, नीलकंठ को मैंने आपको बताया था कि इसमें विशेषण विशेष संबंध है, विशेषण विशेष संबंध है, इस कारण हम इसको क्या कहते हैं, कर्मधारय समास भी कहते हैं, कहते हैं कि नहीं। लेकिन ये कर्मधारय समास के साथ साथ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये एक, इसका मतलब ये एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण भी है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि नीलकंठ में कौन सा समास है, सिंपल सा, नीलकंठ में कौन सा समास। तो अब उदाहरण में यदि अगर वहां कर्मधारय भी है, कर्मधारय भी है, बहुव्रीहि भी है, बहुव्रीहि भी है, तो दोनों ही सही हैं, दोनों में से जो आंसर आप टिक लगाओगे उसे सही ही माना जाएगा, किसी भी स्थिति में गलत नहीं होगा, दोनों के नंबर आपके बटेंगे बराबर। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि ऐसे में आप यहां पर रिस्क ना लें और कर्मधारय की बजाय प्रायोरिटी दें आप यहां पर बहुव्रीहि को, किसको, बहुव्रीहि को प्रायोरिटी दें। जब नीलकंठ में पूछा जाए कौन सा समास है और कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिए हों तो आप बहुव्रीहि के साथ जाइए, क्योंकि नीलकंठ में कोई नीले गले वाले की बात हो रही है और कोई नीला गला वाला सामान्य रूप से मिलता नहीं है। कौन है, केवल वो शिव ही है और कोई है ही नहीं नीले गले वाला। तो जब है ही नहीं तो जबरदस्ती मतलब अपने आप को समझदार बताने का कोई जरूरी नहीं है वहां पर, कि आप कर्मधारय बताकर अपनी समझ को आप प्रदर्शित करिए, फिर कोर्ट के चक्कर लगाइए, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बहुव्रीहि लगाइए। वैसे डेफिनेटली कर्मधारय भी सही है लेकिन बहुव्रीहि भी आप लगा सकते हो। अब बहुव्रीहि नहीं होगा तो आप यहां पर लगाओगे। अब देखो इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह पूछा जा सकता है और आपको फंसाया जा सकता है। जैसे मैंने तो आपको बता दिया कि नीलकंठ जो समास है, इसमें जो है वो भी है, क्या नाम है, नीलकंठ जो समास है इसमें बहुव्रीहि भी है और कर्मधारय भी है। तो अब आपने वहां पर कर्मधारय सोच करके लगा दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया, आज मैंने नीलकंठ की पूजा की, अंडरलाइन कर दिया गया नीलकंठ वर्ड को। ठीक है, अब जैसे अंडरलाइन कर दिया गया तो अब आपसे पूछा गया इस रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। अब वहां जानबूझ करके आप लगा के चले आए कर्मधारय समास, क्योंकि सर ने तो कहा था दोनों लगा दो, दोनों सही हैं। तो अब यहां पर आपसे मिस्टेक हो गया। अब ये चाहे कर्मधारय एग्जाम्पल में दिया हो तब भी आप यहाँ पे कर्मधारय नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब ये कर्मधारय है ही नहीं, क्योंकि अब जब आप पूजा कर रहे हैं तो किसी नीले गले वाले की पूजा जब करेंगे तो वो एक ही है संसार में और वो कौन है, शिव है। इसलिए ये विशेष संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहा है और अब ये निश्चित रूप से केवल एक ही रहेगा और वो कौन है, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से दशानन जो है, दशानन इसमें द्विगु समास भी आप कह सकते हैं, इसमें द्विगु समास भी है क्योंकि दश का मतलब हो गया दस और आनन का मतलब हो गया दशानन, आनन का मतलब हो गया आनन मतलब सिर, दस सिर वाला, तो ऐसे में द्विगु समास भी है। लेकिन आपको मालूम है राम ने दशानन का वध किया, अब ये सेंटेंस आ गया, तो जब दशानन का वध राम ने किया है तब ये विशेष संज्ञा है जिसका नाम है रावण, और ये रावण कौन है, ये रावण बहुव्रीहि समास है। तो आई होप कि आपको बहुव्रीहि समास भी समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से इसके सारे उदाहरण लिख लेते हैं, ठीक है, जो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं, क्लियर। तो चलिए होमवर्क में क्या क्या करना है मैं लिख दे रहा हूं, इसका विग्रह करिएगा। एक तो चक्रपाणि, महावीर, चतुर्भुज, प्रधानमंत्री, अब बहुत बार आता है प्रधानमंत्री एग्जाम में और लोग गलत कर देते हैं, पंकज, अनहोनी, ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, गिरिधर, पीतांबर, ठीक है, त्रिलोचन,
चंद्रमौली, चंद्र मौली ये सब करिएगा, जो ना आए मुझसे पूछिएगा अगले सेशन में, ठीक है। विषधर, ठीक है। मृगेंद्र, मृगेंद्र। घनश्याम, घनश्याम। घनश्याम में भी दो समास हैं भैया, मृत्युंजय। ये सारे आप करिएगा, बहुव्रीहि समास के विग्रह करने हैं। विग्रह कैसे करने हैं, जैसे चक्रपाणि का विग्रह होगा, चक्र है पाणि में जिसके, अर्थात विष्णु, ऐसे करके विग्रह करने हैं सारे, ठीक है। सो ये आज का सेशन होता है यहीं पर समास, और समास हो जाते हैं खत्म, समाप्त, और समास हो जाते हैं खत्म। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन ये है, जल्दी से मुझे बताइए कि अगला चैप्टर आप क्या पढ़ना चाहते हैं, अगला चैप्टर हिंदी में आप क्या पढ़ना चाहते हैं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अधिकता जिस चीज की होगी उसी के अनुसार मैं अगला चैप्टर पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगला चैप्टर आप क्या पढ़ना चाहते हैं, पहली चीज। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि कल है सैटरडे, और सैटरडे को आपको मालूम है कि स्पेशल क्लास हम लोग करते हैं किसी एक या दो या अन्य सब्जेक्ट्स की। तो कल आप लोगों के पास में दो दो स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, एक आपको जीएस की स्पेशल क्लास मिलेगी, जो कि यूपीपीएससी लेवल की होगी। यूपीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कह सकते हैं आप इनको, या एमसीक्यू कह सकते हैं, इसको लेकर के बनाएंगे। जीएस की स्पेशल क्लास मिलेगी, और एक जबरदस्त स्पेशल क्लास आपको मिलेगी मैथ्स की, दैट विल ऑल्सो बी बेस्ड ऑन एमसीक्यूज रिलेटेड टू प्रीवियस आस क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके दोनों के सेशंस जो हैं वो आपको लिंक अभी कुछ ही देर में यहां पर आपके ग्रुप में मिल जाएगा, एट द रेट सेलेक्शन मेंटर, SELECTION मेंटर, MENTOR कानपुर, जिसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है नीचे, आप वहां से जाके भी इससे जुड़ जाइए, आपको लिंक वहां पर तुरंत मिल जाएंगे। और इन दोनों स्पेशल क्लासेस को करना मत भूलिएगा, और जरूरत है आप लोगों से कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये तो हो गई सैटरडे की बात, संडे को आपको हिंदी की स्पेशल क्लास होगी, तो हिंदी की स्पेशल क्लास में भी एमसीक्यूज रखे जाएंगे, इसमें भी आना आप लोग मत भूलिएगा। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस डे।